ऑफिस जाना पड़ रहा है अर्जेंटली, पर आप बताते रहिए मुझे, तलाश जारी रखिए। क्या हुआ, क्या कहा उसने? कुछ पता नहीं चला उन्हें। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एक तरफ इच्छा में छोड़कर चली गई और दूसरी तरफ मीठी का कुछ पता नहीं चल रहा है। दामिनी से क्या कहेंगे हम, मुक्ता से क्या कहेंगे हम, मीठी को नहीं ढूंढ पाया। ऐसा मत कहिए ठाकुर साहब, हम लोग हार मान के वापस नहीं जा रहे। तलाश जारी है, जारी रहेगी जब तक मीठी मिल नहीं जाती। हम वापस सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें तपस्या को रोकना है सदमा पहुंचने से पहले। अगर उसे कुछ हो गया तो आपकी एक बेटी का बलिदान दूसरी बेटी के लिए यूं ही, इट विल जस्ट बी। बेटी वापस आएगी, सही सलामत लेकर आऊंगा मैं उसे, मैंने वादा किया था आपसे। अब मैं अपना वादा नहीं भूलता ठाकुर साहब। मेरी एक ही प्रार्थना है बस, कि अगर वो किसी मुसीबत में हो तो हार ना माने, लड़ती रहे अपनी माँ की तरह, इच्छा जी की तरह। सख्त तो नहीं हुआ ना हम पर? नहीं, उन दोनों को ऐसा विश्वास दिलवा दिए हैं कि आतिशगढ़ के किसी भी घर में जाके पूछताछ ना करें। अब बाल बाल बचे हैं भैया, वो मीठी आ गई थी वहां पानी लेके, बस एक पल तो लगा के पोल खुल गए, सब मालूम पड़ जाओ। पर बाद में हम और निर्भय ऐसे दीवार बन के खड़े हुए उनके सामने कि कछु ना देख सकी वो, ना ही जोगी और राठौर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ, वो ससुरे यहां तक पहुंचे कैसे? ये तो पता नहीं बेटवा, पर ग्रहों की दशा ठीक नहीं चल रही। इस बार तो हम बच गए, और अगली बार वो सब पुलिस के साथ आएंगे तो हम भी कछु नहीं कर पाएंगे। जा बुला आकाश को, जा। ठीक है भैया। मीठी की फिक्र है, उनकी बहुत चिंता है और उनसे बहुत प्यार है। ये आप जो भी कह रही हैं ये आपकी गलतफहमी, मैं भी मीठी से कोई प्यार नहीं करता। कब तक सच को जुटलाएंगे देवर जी? आज ना कल अपनाना तो पड़ेगा ही। जिन्होंने मेरी विष्णु की देखभाल की उनके लिए तो मैं जान भी दे सकती हूँ। मैं आई थी सपने में, मेरी चोट देखी तो डर गई, मुझसे पूछ रही थी क्या हुआ कैसे हुआ। मैंने कहा कि डरो मत, विष्णु है मेरे साथ। मेरे लिए फूल ले रहे थे है ना, और गलती से गुलदस्ता छूट गए, राइट? दो। वाओ, ब्यूटीफुल, थैंक यू।
अरे बुद्धू ऐसे क्यों खा रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट, और अभी टीचर तुमको सजा देने वाली है। डरो मत, मैं कुछ नहीं कहूंगी तुमसे। चलो हटो वरना कांच चुभ जाएंगे। मैं अभी साफ कर देती हूँ, जाओ हटो। ये हम क्या कर रहे हैं? इस भोली भाली लड़की से कैसे बदला? जैसे मैंने बचपन में अपना पिता खोया था, इसने भी अपनी माँ खो दी। और ये बेचारी तो आखिरी बार मिल भी नहीं पाई। अब तो इसे घर जाना चाहिए। मैं बात करूंगा मैया से, कहूंगा कि मीठी को घर जाने से। इस सब में इसका कोई दोष नहीं। हाँ, मैं जानता हूं कि मैया मान जाएगी। मैया मेरी बात जरूर मानेगी। कहीं अपनी मैया से गद्दारी करने की तो नहीं सोच रहा है तू? तू औरत से ज्यादा प्यार हो गया है का? याद रख, बहन है हमार, और हमार बहन के आंख में तुहार कारण एक भी आंसू आया तो हमार गुस्सा तरपेगा तोर। मामा जी, आपकी बहन हमार मैया है, यानी कि हमार जिंदगी। और हमार जिंदगी के लिए हम कुछ भी कर सके। हम बस यही बात कर रहे थे कि मीठी को बहू बनाकर इस घर में लाना, ये हम सबकी साजिश थी, वो हमने किया। जो मैया ने कहा वो सब हमने किया। उनको इस घर में लाके इतना कष्ट दिया, इतना दुख दिया, सब किए। झूठे रिश्ते, झूठा प्यार। अब का इच्छा तो मर गई। अब वो बिचारी को मार के कहां मिलने वाला है हम सबको? मामा जी, एक बात समझिए, जब बेटी वापस घर जाएगी और उनको ये बात पता चलेगी कि उनकी मां मर चुकी, कितना दुख होगा उसे। दुख हमने देखा है और उससे भी अधिक दुख इस बात का होगा, अपनी मां के चौथे पर वो यहां नाच रही थी। टूट जाएगी बेचारी। इच्छा से बदला पूरा हो चुका है, अब ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। ये मीठी के लिए तो सबसे बड़ी सजा ये है कि पूरी जिंदगी उसको झूठे रिश्ते के साथ रहना पड़ेगा, और ये सजा मौत से भी बढ़कर। मेरा खून बह रहा भैया। पालक क्या किया भैया? छोड़ दे तो, ये छुरा छोड़ दे। तुम्हारी जी क्या भैया, क्या क्या कर रहे आप? लड़की जी जी, ये क्या हुआ भैया? इतना खून बहा दिया तुमने, क्या कर रहे आप? तो बह रहा भैया, कार खाते रात तक हम जिंदा रहे। हम जी के का करेंगे? तू सुन ले, सुन ले। बहुत जिंदा